टीम इंडिया अफ्रीका से शुरुआत के दो मुकाबले हारी, क्या पर्पल कैप पड़ गया टीम इंडिया पर भारी? नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां, ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि टीम इंडिया शुरुआत के जो दो मुकाबले हारी है, दक्षिण अफ्रीका से जो शुरुआत के दो T20 मुकाबले हारी है, क्या उस पर पर्पल कैप पड़ गया भारी? क्योंकि अगर हम शुरुआत के दोनों मुकाबलों के आंकड़े देखें, शुरुआत के दोनों मुकाबलों के अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें, तो हमें समझ में आता है कि पर्पल कैप कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है, उसका रंग फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, IPL 2022 की अगर बात करें तो पर्पल कैप थी यजुवेंद्र चहल के सर पर। यजुवेंद्र चहल ने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, उसके बाद में उन्हें पर्पल कैप से नवाजा गया था। लेकिन जैसे ही IPL खत्म हुआ और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया मैदान पर खेलने के लिए उतरी, तो वो पर्पल कैप का रंग नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यजुवेंद्र चहल ने शुरुआत के पहले T20 मुकाबले में 2 ओवर डाले, 26 रन दे डाले, कोई विकेट नहीं मिला। उसके बाद में दूसरे T20 मुकाबले में यजुवेंद्र चहल ने 4 ओवर डाले, कोई विकेट नहीं मिला, काफी सारे रन दे डाले। तो इन दोनों मुकाबलों को देखकर यह समझ आता है कि जो गेंदबाज IPL 2022 में पर्पल कैप का विजेता था, उस गेंदबाज की गेंद एकदम फेल होती नजर आ रही है। गेंदबाज की गेंदबाजी का जो चकमा था, वो अपनी गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को चकमा नहीं दे पा रहा है। यजुवेंद्र चहल की जो फिरकी थी, उसमें विपक्षी बल्लेबाज नहीं फंस रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अफ्रीका से टीम इंडिया हारी, क्या पर्पल कैप पड़ गई भारी? क्योंकि पर्पल कैप के रुतबे के आधार पर ही यजुवेंद्र चहल को टीम इंडिया में मौका मिला था। उम्मीद थी कि जिस तरीके से IPL 2022 में चहल ने गेंदबाजी की है, उसी तरीके से साउथ अफ्रीका सीरीज में भी यजुवेंद्र चहल गेंदबाजी करेंगे, लेकिन उम्मीद पर चहल खरे नहीं उतर रहे हैं। चहल उस तरीके से गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से विकेट नहीं चटका पा रहे हैं, और नतीजा ये हुआ कि टीम इंडिया के हाथ में हार लग रही है। तो आपका यजुवेंद्र चहल की गेंदबाजी पर क्या कहना है? क्या रीजन समझते हैं आप, क्या वजह समझते हैं कि चहल गेंदबाजी उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, विकेट नहीं चटका पा रहे हैं, और आपको क्या लगता है इसके पीछे की जो भी वजह आपको लगती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।